दोस्तों नमस्कार, मैं रजरंग मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रॉपर्टी मीडिया पे। और आज हम फिर एक बार हाजिर हुए हैं। अभी हमने जो पिछला वीडियो डाला था वो फैजाबाद रोड का डाला था वीडियो, और उसमें जो मेजर अवेलेबिलिटी की बात हमने करी थी वो शालीमार मन्नत की बात करी थी, जो सफेदाबाद में लगता था, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में लगता था, अब जो है डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में आने का है। और आज हम फिर उन्हीं के ब्रांड की बात करेंगे जो सही पद पे है, और ये है गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 6 में। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 6 में ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है शालीमार वन वर्ल्ड। ये प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया था करीब करीब, मुझे जो ध्यान आ रहा है करीब 7 साल पहले लॉन्च किया था, 8 साल पहले। और ये टोटल जो लैंड है इनके पास इस टाउनशिप में वो करीब करीब 200 एकड़ प्लस है, 215 भी हो सकती है, 212 भी हो सकती है, 220 भी हो सकती है। और इसमें टोटल जो है वो ग्रुप हाउसिंग ही, और इनका जो स्पेस वन वर्ल्ड में सबसे पहला इन्होंने जो लॉन्च किया था ग्रुप हाउसिंग, वो लॉन्च किया था शालीमार जो है विस्टा के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। टोटल इन्होंने 4 टावर 6 टावर लॉन्च किए थे उसमें, और वो सेगमेंट जो था वो 2 BHK प्लस स्टडी और 3 BHK प्लस सर्वेंट का था, और 3 BHK का भी ऑप्शन था। और वो साइज था 1430 स्क्वायर फीट, 1800 और 1830 स्क्वायर फीट का था। फ्लोर अगर हम बात करें, हाइट की बात करें, तो 18 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी। पजेशन दिया जा चुका है 2 साल पहले 3 साल पहले, लोग वहां पे रह रहे हैं, खूब रीसेल हुई उसमें, अभी वहां पे ठीक ठाक गेंट्री रह रही है। और उसके बाद में दूसरा जो लॉन्च किया इन्होंने उस प्रोजेक्ट में वन वर्ल्ड में, वो लॉन्च किया बेल्वेडेयर कोर्ट वन के नाम से, उसका भी परमिशन दिया जा चुका है, लोग रह रहे हैं। ये विस्टा एक अफोर्डेबल सेगमेंट में शालीमार के हिसाब से था, उसके बाद में ये प्रीमियम क्लास आया शालीमार जो है बेल्वेडेयर कोर्ट का जो हम बात कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने जो ऑप्शन दिया वो दिया 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस 4 BHK प्लस सर्वेंट का ऑप्शन दिया, इसमें आज की डेट में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। और फिर बेल्वेडेयर कोर्ट 2 इन्होंने लॉन्च किया, सेम कैटेगरी सेम साइज सेम हाइट पे। फिर बेल्वेडेयर कोर्ट 3 इन्होंने अभी लॉन्च किया है, उसका पोजीशन अभी आपको 2 साल 1.5 साल बाद मिलेगा। उसके बाद में इन्होंने लॉन्च किया विस्परिंग वुड की भी ठीक ठाक जो है रेट था, बहुत ज्यादा ना हाई में था और बहुत ज्यादा लो में ना था, रेट ठीक ठाक था। तो विस्परिंग वुड लॉन्च किया, वो भी सेल आउट हो गया, उसमें भी आज की डेट में अवेलेबिलिटी नहीं है। अब ये जरूर हो सकता है कि टॉप फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर की कुछ एक आध अवेलेबिलिटी हो, उसकी मैं नहीं कह सकता हूं, बट उसमें सारा माल सोल्ड आउट है। उसके बाद में इन्होंने लॉन्च किया था वैलेंसिया काउंटी विला के नाम से। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट विला का जरूर था, बट इसमें जो रजिस्ट्री आपके नाम होनी थी वो नहीं होनी थी, प्लॉट पे नहीं होनी थी, ये बिल्टअप एरिया पे रजिस्ट्री होनी थी। जैसे 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है और उसमें 4000 जो इन्होंने बिल्टअप करा, तो वो रजिस्ट्री अगर होती तो 4000 स्क्वायर फीट, तो एक तरीके कहते हैं फ्लोर प्लान था। और ये सेमी फर्निश्ड पे दिया था इन्होंने, बाहर की दीवारें प्लास्टर वगैरह करके दे दिया था, मेन एंट्रेंस दिया था, अल्ट्रा लग्जरियस बना के इन्होंने ये विला या फ्लोर जो भी आप समझना चाहो समझो वो इन्होंने दिया था। और अभी बन के तैयार हो रहे हैं, पोजीशन मुझे लगता है साल भर के अंदर ही अंदर हो जाएगा वहां पे। उसके बाद में इन्होंने, अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें विला की, तो विला का प्राइस रेंज जो स्टार्ट था वो 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ के बीच का प्राइस रेंज था। अभी भी विला आपको 2-4 मिल जाएंगे, पर बड़े साइज में मिलेंगे, छोटे साइज सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। अभी जो मिल जाएंगे वो बड़े साइज में मिल जाएंगे, जिसकी कीमत 5-5.5 करोड़ के आसपास की विला की आएगी। तो मैं कह रहा था कि उसके बाद में उन्होंने बैलेंसिया टावर के नाम से एक फिर लग्जरी जो है वहां पे ग्रुप हाउसिंग लॉन्च किया। उसके बाद में इन्होंने जो लॉन्च किया वो पिनाकल के नाम से लॉन्च किया, वो अल्ट्रा लग्जरियस था। और ये जो है उसके बाद में अभी जो हाल फिलहाल एक कमर्शियल लॉन्च किया था SBD के नाम से, शालीमार बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से, सिंगल कमर्शियल का प्रोजेक्ट है वहां पे। वहीं पे वनों वालों का एटमॉस एक प्रोजेक्ट है, वो भी रेडी टू मूव हो गया है, उसमें भी लोग पोजिशन मोड में आ गए, रहने लगेंगे। अमेनिटीज की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन अमेनिटीज है। सड़कों की अगर हम बात करें, बहुत ही चौड़ी सड़कें हैं, मतलब आपको 30 मीटर 45 मीटर की सड़कें मिल रही हैं वहां पे, मिनिमम जो है 18 मीटर की सड़कें आपको मिल रही हैं, ओपन एरिया बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आपको, आर्टिफिशियल लेक भी आपको मिल ही रहा है वहां पे, और एक बहुत बड़ा सा लेविस क्लब दे रहे हैं जो पूरे टाउनशिप के लिए एक मेन क्लब बना के दे रहे हैं। बाकी जितने भी इन्होंने टावर अल्ट्रा लग्जरियस बनाए हैं उनके साथ इन्होंने क्लब को अटैच किया है। और अब जो अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है वो मारवेला के नाम से लॉन्च किया है। ये टोटल लैंड पैच जो है वो 13 एकड़ की लैंड पैच में इन्होंने
लॉन्च किया है और इसमें टोटल जो है वो टावर जो बना रहे हैं वो 11 टावर बना रहे हैं, जिसमें से इन्होंने 2.5 एकड़ 2.25 एकड़ का एक जो है बीच में बहुत बड़ा सा ग्रीनबेल पार्क दिया है और उसके सराउंडिंग जो है वो टावर्स आएंगे। इसमें अभी इन्होंने 4 टावर जो है वो लॉन्च किए हैं टोटल अभी मारवला में, और इसमें उन्होंने फिर वही रिपीट किया है कि जो है 1400 जो है 80 स्क्वायर फीट में 2 BHK प्लस एसएडी का जो ऑप्शन दिया है, और 1690 और 2160 1690 स्क्वायर फीट में 3 BHK और 2160 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस सर्वेंट का जो है वो ऑप्शन दिया है। और जो है अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आज की डेट में जो है 8000 रुपया स्क्वायर फीट का रेट आ रहा है प्राइसिंग की। फ्लोर की अगर हम टोटल बात करें तो करीब करीब 35 फ्लोर की ये बिल्डिंग बन के आ रही है, और जो है अगर एक फ्लैट की अगर हम कॉस्ट मान लें तो करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास 2.5 BHK वाला जो आ रहा है 2 BHK प्लस एसएचडी वाला उसकी कॉस्ट आ रही है, और 2 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ के बीच में 3 BHK और 3 BHK प्लस सर्वेंट का कॉस्टिंग आएगी। और पजेशन जैसा हमने बताया कि अभी चूंकि नया लॉन्चिंग हुआ है तो 3.5 साल मान के चलो कि 3.5 साल में इसका पजेशन मिलेगा। अभी 4 टावर लॉन्च किया है, अभी जो है अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो उस ब्रांड में अगर उस लोकेशन में अगर किसी को जाना है तो आप देख सकते हैं कि उस पे जाकर के आप देख सकते हैं। और अभी जैसे पिनाकल वगैरह आया था 9,000 9,500 10,000 रुपए स्क्वायर फीट में जो है वो रेट था, मतलब जिसको हम बता रहे हैं अल्ट्रा लग्जरियस, और उसी के लगे मतलब एक उससे थोड़ा सा प्रीमियम कहेंगे, इससे भी थोड़ा सा प्रीमियम मार्वेला से ग्रुप हाउसिंग 21 जो है ग्रुप हाउसिंग GF21 के नाम से लॉन्च किया है, वो भी बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। 82-83 करोड़ रुपए का रेट है, इसमें 27-28 फ्लोर की बिल्डिंग अभी बन के आ रही है, और इसमें जो है आपको 3 BHK का भी ऑप्शन है, 4 BHK नहीं है, 3 BHK प्लस सर्वेंट का ऑप्शन है, और जो है रेट वही करीब 2.5 करोड़ के आसपास का ये भी रेंट बन के आ रहा है। और अवेलेबिलिटी की बात करें इन्वेंट्री करें तो अभी आपको मार्वेला में भी मिल जाएगा और ग्रुप हाउसिंग 21 में भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट की अगर पोजीशन की बात करें तो सेम चीज वही है मार्वेला वाली है कि हाँ वो 33 फ्लोर की है 28 फ्लोर की है, तो 3.5 से 4 साल के आसपास इसमें भी टाइम लग जाएगा। और उस लोकेशन पे बहुत बेहतरीन टाउनशिप है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, जितने लोगों ने आप तक ये वीडियो बनाया होगा उस प्रोजेक्ट का सबने बताया होगा, ब्रांड के बारे में तो सोचने समझने की जरूरत नहीं है और डिलीवर्ड प्रोजेक्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एमिनिटीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, है ना, और फैसिलिटीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग वेल नोन है शालीमार के नाम पे। और अभी एक जो है एक अच्छी बात और हुई है कि जो अभी ये बंदा रोड बनी थी जो यहाँ से गई थी 1090 से बन के गई थी ताज होटल होते हुए, ये अभी तक गई थी शहीद पथ के आगे तक इनके प्रोजेक्ट तक गई थी, बट वो बंदा रोड सरकारी रोड थी, अब उसी के ठीक बगल में सर्विस रोड बना के दी जा रही है जो इनके टाउनशिप तक जा रही है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी मेजर और अहम बात है वो ये है कि जो ग्रीन कॉरिडोर यूपी गवर्नमेंट बना रही है जो मलियावा दुबग्गा से बना के लेके आ रही है ये गुमती पे दोनों साइड में, वो ग्रीन कॉरिडोर अब जो प्रस्तावित हो गया वो किसान पथ तक हो गया है, तो अब ये आपको चाहे विकास नगर जाना हो, निशानगंज जाना हो, अलीगंज जाना हो, चाहे दुबग्गा जाना हो, कहीं भी जाना हो, ये अंदर अंदर शहर की कनेक्टिविटी और बहुत ही बढ़िया मतलब रोड की कनेक्टिविटी बन के निकल के आ रही है इसमें, तो प्रोजेक्ट की जो है वो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया बन के आ रही है। रही बात जो है जैसा सबको मालूम है कि आज की डेट में गोमती नगर के बाद में अब जो सुल्तानपुर रोड गोमती नगर एक्सटेंशन वो जो अंचल वाली बेल्ट है वो पूरी बेल्ट जो है वो नए लखनऊ के रूप में बन के आ रही है, बहुत सारे आपको कमर्शियल ऑप्शन मिल जाएंगे, इकाना स्टेडियम है वहां पे जो बताने की जरूरत ही नहीं है, पुलिस मुख्यालय है, बहुत सारी चीजें मतलब वहां पे हैं जो और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनकर डिलीवर्ड करे जा चुके हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, बहुत सारे जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसका बजट ठीक है वो प्रीमियम क्लास है क्लास में रहना चाह रहा है, और ये जो है दुबई का आर्किटेक्ट है, बहुत बेहतरीन ही लैंडस्केपिंग है ना, टाउनशिप चूंकि बहुत बड़ी है तो इसका एक अलग मतलब व्यू आएगा, बहुत एक अच्छा ही मतलब रहने का मतलब मजा आएगा। तो मेरे हिसाब से उस रोड पे अभी जो है शालीमार एक ठीक ठाक रेंज में है और ठीक ठाक बजट में। हाँ जरूरी है कि शालीमार जब आपको चीजें देगा तो पैसा आपसे जरूर लेगा, तो जिन लोगों का बजट अभी इस यहाँ तक जा सकता है तो बिल्कुल आप जो है
शालीमार वन वर्ल्ड में मार्बेला और ग्रुप हाउसिंग 21 को कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपका बजट थोड़ा बेहतरीन है तो 21 में जा सकते हो, पिनाकल में भी हो सकता है कुछ आपको अवेलेबिलिटी मिल जाए और बड़ा है तो उसमें भी आप जा सकते हो, और नहीं तो आप जो है इसमें जा सकते हो मार्बेला में, क्योंकि 2.5 जिसको हम लोग बोलते हैं 2 BHK प्लस एसएचडी उसका साइज जो है वो ठीक दिया 1500 स्क्वायर फीट का साइज कम नहीं होता है, है ना, तो और 1,50,000 रुपए में आपको मिलना है, तो ये जो है ना आपके बजट में आ सकता है। तो करीब करीब जो है मेरे हिसाब से जो अभी आज की डेट में अगर 3 BHK प्लस सर्वेंट का कोई आप कहीं भी 3 साल जो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखने जाते हैं तो 1,50,000, 1,56,00,000, 1,58,00,000 मतलब से नीचे कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बन के नहीं आ रही है। तो और वो भी साइजेज आपको जो है 1900 स्क्वायर फीट से लेकर के 2100 स्क्वायर फीट के बीच की मिल रही है, तो जिसको मतलब ब्रांड सब है और मेंटेनेंस ये सारी चीजें हैं और जिसको एक मतलब एक यूनिक ब्रांड में जाना है तो वो इसको एक प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। और ये चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि ये भी वन नाइट पे भी ये मेरा पहला वीडियो है, तो फिर वही बात है कि जिन लोगों ने अभी तक भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश कर लें, और किसी भी तरीके की अगर आपकी क्वेरी है जो आप जानना चाह रहे हैं, जो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर होकर नहीं आ पा रही है, डिटेलिंग्स में जाना है, फुल डिटेल में जाना है, तो स्क्रीन पे जो हमारा नंबर दिख रहा है आपको 9918444409 उस पर कॉल करें, डेफिनेटली आपको पूरी चीजें विद डिटेलिंग सारी चीजें छोटी से छोटी चीजें बड़ी से बड़ी चीजें आपको ब्रीफ करी जाएगी, साइड रीड कराया जाएगा, और अगर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रहा है आपका जो है बजट अलाउ कर रहा है तो जरूर इस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, धन्यवाद।